नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दे, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको आपकी जीवन में वास्तु और ज्योतिष कितना सफल कार्य करता है, इसके बारे में बताएंगे कि हम अपने किस्मत के निर्माणकर्ता हम स्वयं होते हैं, हम खुद होते हैं। हम ही अपने किस्मत को आगे लेकर जाते हैं, और दूसरी तरफ हम ही अपने छोटी छोटी गलतियों की वजह से कंगाल हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम इसी विषय में बताएंगे कि भूल कर भी दूसरों को नहीं दे यह चीज है, वरना हम खुद पड़ जाते हैं मुसीबत में और हमें उठाने पड़ती है अनेक सारी परेशानियां। क्योंकि दोस्तों, हर मनुष्य की अपनी एक एनर्जी होती है। यह एनर्जी हमारे आसपास रहने वाली और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों को प्रभावित करती है। ऐसे में दूसरों की वस्तुओं का उपयोग करना हमारे लिए कितना आर्थिक परेशानी का कारण बन सकता है, और इसके साथ ही हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे चीजों के बारे में मनाही की गई है कि इन चीजों का किसी का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यह सारी वस्तुएं ऐसी है जिसका हर कोई दिन रात उपयोग करता है, उसकी सारी पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी उसमें आ जाती है। जबकि जब कोई ऐसी अन्य व्यक्ति उस वस्तुओं का उपयोग करता है तो एनर्जी उसे प्रभावित करती है। बोलचाल की भाषा में इसे हम पनौती भी कहते हैं, बुरा भाग्य, बैड लक भी कहा जाता है। जब हम किसी से उसकी चीजों को मांग कर उपयोग करते हैं तो उसकी निगेटिविटी और बुरा भाग्य या उसकी जो भी बुरी कामनाएं हैं वो हमारे पास आ जाती है। तो दोस्तों, आपको अपनी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि खुलकर भी किसी वस्तु को ना तो किसी से आपको उधार देना है और ना ही उस व्यक्ति से आपको कभी किसी से माही मांगना है। दोस्तों, पेन, कभी भी किसी से पेन आपको उधार नहीं लेना है और ना ही आपको किसी व्यक्ति को पेन देना है। यदि आपको इमरजेंसी में पेन लेना पड़ जाता है तो अपना काम होने के बाद उसे तुरंत लौटा दे। जैसा कि आप अक्सर देखा जाता है कि बैंक में कोई कार्यालय ऐसी जगह पर व्यक्ति जाता है और जाते ही उसे कोई फॉर्म भरना होता है, तब उसे याद आती है कि पेन तो मैंने लेकर ही नहीं आया। तो उस समय आपने उस व्यक्ति से पेन मांगा है, और आपको भी यही समझदारी देखनी चाहिए। अगर आपके पास पेन है तो उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये समय बुरा नहीं है। बुरा कब होता है? जब हम उस व्यक्ति का पेन अपने पास रख लेते हैं और उस व्यक्ति को लौटाते नहीं है, जो भी व्यक्ति हमें नहीं लौटाता है। वास्तु के अनुसार किसी से पेन उधार लेना पैसों की कमी का कारण बनता है। अगर गलती से भी आपने कहा कि जिस व्यक्ति ने आपको पेन दिया है और वह चला गया, आपके पास गलती से पेन रह गया, तो उस पेन को आपको अपने पास नहीं रखना है। किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दे या किसी अन्य व्यक्ति को दे दे, लेकिन आपको वह पनौती नहीं रखनी है। दोस्तों, दूसरी चीज है रुमाल। किसी भी व्यक्ति का रुमाल का इस्तेमाल करना उन दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई और तनाव का कारण बनता है। इसलिए अलावा अगर आप दूसरों के रुमाल को उधार देते हैं या लेते हैं तो आपको पैसों का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। दोस्तों, रुमाल और अंतर वस्तु, जिसे अंतर्यन बयान भी कहते हैं, यह चीजें व्यक्ति की नकारात्मक और सकारात्मकता से जुड़ी होती है। इन्हें अंतर्वस्त्र कहा जाता है। अंतर्वस्त्र कभी भी एक दूसरे को दान या नहीं या दिया नहीं जाता है। इन्हें उधार नहीं दिया जाता। यह व्यक्ति के पर्सनल होते हैं। इनके साथ उन व्यक्ति का भाग्य, अभाग्य और कुभाग्य जुड़ा होता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरी चीज है दोस्तों, घड़ी। हाथ में पहने जाने वाली घड़ी भी कभी मनुष्य के जीवन का अच्छा और बुरा वक्त प्रभाव दोनों बताती है, और सभी मनुष्य के जीवन पर घड़ी यह प्रभाव डालती है।
दूसरों की हाथ घड़ी उतार लेने से उस व्यक्ति की एनर्जी हमारे पास आ जाती है, जिसके चलते हमें आर्थिक तंगी, नुकसान का सामना और असफलता का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपकी घड़ी है और आपके दूसरे व्यक्ति को उधार देते हैं और हो सकता है कि उस व्यक्ति का भाग्य उतना आपके जितना तेज गति ना चलता हो और वह व्यक्ति जब आपको घड़ी वापस आपके घर पर लौटाने आए और उस समय यह कल्पना आपके अंदर हो जाए कि अब आपका सौभाग्य आपके साथ नहीं हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। तो इस बात को विशेष आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, छठी चौथी चीजें हैं बिस्तर। कभी भी दूसरों के बेडरूम पे या बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर बुरे प्रभाव पड़ते हैं, ऐसा करने से वास्तु दोष पड़ता है, साथ ही ऐसा करने से आपके घर में बरकत कम होती है। कभी भी कोई वैरी व्यक्ति आपसे बिस्तर मांगने आए तो आपको हमेशा नए और फ्रेश बिस्तर ही देने हैं, या फिर रात दिन जो बिस्तरों का उपयोग मेहमान नवाजी में करते हैं उन वस्त्रों का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा परहेज करना चाहिए कि कोई दूसरे व्यक्ति के बिस्तर है, आपको उनका उपयोग कम ही करना चाहिए और अपने बच्चों को और परिवार के लोगों को भी यह सलाह देनी चाहिए। दोस्तों, पांचवी चीज है उधार का पैसा। कभी किसी से उधार नहीं मांगे। अब आप बोलेंगे कि उधार के बिना तो काम कैसे चलेगा। इमरजेंसी हर व्यक्ति को होती है, पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसे उधार लेना पड़ता है, क्योंकि आज के समय में धन के बिना कहीं कुछ भी नहीं है। लेकिन जल्द से जल्द आपको धन अगर किसी को उधार दे रखा है या ले रखा है तो उसका ट्रांजेक्शन बहुत ही जल्द करना चाहिए। ये आपके लिए दुर्भाग्य हो जाता है, क्योंकि दोस्तों पैसे की हमारे पर मांग रहती है, हम उधार लेकर सो जाते हैं। मांग रहती है तो वह पैसा कोई व्यक्ति अपने ऊपर गलत ही वर्ड निकलते हैं, मानसिक शक्ति हमको पहुंचती है और वह हमें दुर्गावती के रफल लेके जाता है। वास्तु में भी दूसरों के पैसों को गलत तरीके से हड़पने से नकारात्मक समय में रखा गया है, इसलिए पैरों की चोरी या धोखाधड़ी से आपको बचना जरूर चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही कपड़े कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के आपको नहीं पहनने चाहिए। वास्तु के अनुसार दूसरों को कपड़े पहनने से आपको नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है और इसके साथ ही दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, हमारे अंदर आने लगती है। इसलिए हमारी यह सलाह रहेगी कि दूसरों के कपड़े पहनने से बचे और दूसरों के कभी भी कपड़े उधार नहीं मांगे। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गला का अंत कारण बनती है। दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज एक है कि कोई व्यक्ति आपको अपने मन से देता है तो वह उस चीज में आपको माला माल हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कोई चीज ली है, जैसे कि आपको वह चीज अच्छी लगी और आपने चुरा ली, इसमें कोई भी चीज हो सकती है, बस उसमें किसी अन्य व्यक्ति का अगर मन जुड़ा है, उस व्यक्ति का अगर विधि है, तो वह यह चीज आपके पास नहीं है और आपने सोचा कि कैसे भी करके आपको वह चीज चाहिए और आप उस व्यक्ति से चुरा कर लेकर आ गए, तो वह चीज आपको बर्बाद कर सकती है। आपके जीवन में उस चीज का कभी भी फायदा नहीं होता है। दोस्तों, एक और चीज है कि जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति रात्रि में दूध, दही, छाछ ऐसे चीजें मांगने के लिए आए तो संध्या काल हो चुका है और उसके बाद वो आए, तो कभी भी घर की महिलाओं को उनको ऐसी चीजें नहीं तो देनी चाहिए और ना ही रात्रि के समय इन चीजों को किसी व्यक्ति के घर उधार लेने के लिए जाना चाहिए। यह चीजें हमारे घर के वास्तु दोष को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है और हमें कभी भी अपने जीवन स्तर में ऊंचा उठने ही नहीं देती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, इसके साथ ही दूसरों से एक ऐसी भी चीज है जो कभी भी नहीं मांगनी चाहिए, वह है नुकीली चीजें। दोस्तों, नुकीले चीजें सभी दोस्त और राहु की केतु के दोषों से युक्त होती है।
अगर आपको कोई चीजें प्रिय लगी, जैसे कि चाकू, कैंची, छुरा या तलवार भी क्यों ना हो, धार धार कोई भी चीज है, वह नुकीले चीज है, पेन या पेंसिल हो गई, नुकीले कोई भी चीज है, पेचकश भी क्यों ना हो गई, आपको किसी व्यक्ति से नहीं तो मांगनी चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को आपको उधार देनी चाहिए। ऐसी चीजें देने और लेने से नकारात्मकता एक दूसरे के घर में ट्रांसफर होती है और वह नकारात्मकता हमारी कलह का कारण होती है और वह चीजें हमारे घर में कभी भी बरकत नहीं करती है।